पटना उच्च न्यायालय के शताब्दी भवन बनाने का निर्णय हुआ और इस कार्यक्रम का शिलान्यास 4 फरवरी 2014 को हुआ था। उस दिन बसंत पंचमी का दिन था और जब शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ था उसमें भी मुझको आने का मौका मिला था। और आज जब ये भवन निर्मित हो गया है, आज उसका उद्घाटन हो गया है, उस अवसर पर भी मुझको शामिल होने का मौका मिला है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और पहले तो हम लोगों ने जो सोचा था उस समय जो 2014 में हुआ, तो हम लोग तो सोच रहे थे कि 100 साल पूरा होगा 2016 में, तो उस समय ही बन जाएगा। लेकिन कई प्रकार की बातें आती रही, दिन भर अगर काम हो तो फिर जुडिशियरी को समस्या थी, तो कई तरह की ऐसी बातें। और हमारे जितने यहाँ के माननीय मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशगण सब देखते रहे इन सब चीजों को और इसके बारे में बहुत सारी चीजों का इसमें सुधार करवाया। और उसके चलते जो भी लगा, हालांकि अगर ये जो कोरोना का दौर नहीं होता पिछले वर्ष, तो ये पिछले ही वर्ष इसका विधिवत उद्घाटन हो गया होता, लेकिन आज ही हुआ है। और अभी तो बताया गया है सब लोगों ने यहाँ के बारे में, और इसको पुराने भवन के अनुरूप बनाया गया है, विस्तारित भवन को भी। और इस काम का, इस परियोजना का पूरी लागत हुई है 203 करोड़ 94 लाख रुपया। और शताब्दी भवन के दो खंड, जिसमें 5 तल हैं, और शताब्दी भवन के दोनों खंड तथा नए पुराने भवन कनेक्टिंग ब्रिज से जुड़े हुए हैं। और आप सब लोगों ने इसके पहले भी बता दिया कि इसमें न्यायालय कक्षों की संख्या 43, माननीय न्यायाधीशों की कक्षों की संख्या 57, उच्च न्यायालय में बैठकों के लिए 6 कमेटी रूम, 90 व्यक्तियों के बैठने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रूम का निर्माण किया गया है, माननीय न्यायाधीशों के लिए एक लाउंज और पुस्तकालय का भी निर्माण किया गया है। और जो नवनिर्मित शताब्दी भवन है इसमें 129 गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था की गई। अब जो कुछ भी जो भवन का शिलान्यास हो रहा था, इसके शताब्दी भवन का, उस समय की उसमें भी बात आई थी कि साहब इसके लिए एडवोकेट एसोसिएशन के लिए और उन लोगों के बैठने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तो ये उसी समय बात हो गई थी जब देश के पहले राष्ट्रपति, स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे, इन सब लोगों का इस कोर्ट से मतलब रहा था। जब बापू आए थे, गांधी जी आए थे, चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था, तो उसी समय इन सब लोगों का रिश्ता उनके साथ हुआ था। और उसके बाद आजादी की लड़ाई के साथ जो रिश्ता हुआ, कितना आगे बढ़े, तो यहाँ के बारे में कुछ भी देखने से पटना हाईकोर्ट के बारे में कितना हम सब लोगों को, जो बिहार के रहने वाले हैं, उनको बहुत भीतर से खुशी होती है और ये गौरवान्वित करता है कि कैसी स्थिति और कितने फैसले होते हैं, कितना सब कुछ देखा जाता है। और पहले तो मात्र 7 थे, अब बढ़ते बढ़ते जजों की संख्या बढ़ती गई, अब तो उसके बाद जितने कोर्ट्स होते हैं और सब तरह के मामलों का निष्पादन किया जाता है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और जो काम यहाँ पर हुआ है, एक बात का हम जिक्र जरूर करना चाहेंगे, जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका दिया, ये जो न्यायालय ने काम किया उसके चलते जो लोगों को सजा मिलनी शुरू हुई, तो बिहार में क्राइम की कमी आई। लेकिन फिर भी समाज में तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे कुछ भी कर दीजिए, चाहे जितना भी कानून बन जाए, न्यायालय से किसी को कितनी भी सजा हो जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मानसिकता तो गड़बड़ होती है। और ये मनुष्य के स्वभाव में ही होता है, ज्यादातर लोग ठीक स्वभाव के होते हैं लेकिन कुछ लोग गड़बड़ स्वभाव के होते हैं, तो वो तो कुछ करते ही रहते हैं। इसलिए कानून कब से बना है, सजा कितनों की होती है, तब भी कुछ ना कुछ अपराध होता ही रहता है। लेकिन हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि कम से कम ये जो ट्रायल का काम है वो तेजी से अगर चलता रहेगा, तो हम समझते हैं कि बहुत हद तक अपराध पर वो नियंत्रण लेगा, ये चीज तो हम लोग चाहेंगे। और हम लोगों को तो इतना ही कहेंगे
कि साहब कानून का राज स्थापित करना है तो ये कोई सरकार की जिम्मेवारी सिर्फ नहीं, सरकार का जो मौलिक काम है वो तो करता ही है, करेगा ही, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जब न्याय का प्रश्न है तो इसके लिए जो जिम्मेवारी है न्यायपालिका को, तो यहां से ही जब कुछ होता है तभी इन सब चीजों पर नियंत्रण होता है। तो मेरे हिसाब से जो काम हो रहा है हमको लग रहा है कि पूरे तौर पर सब कुछ है। और एक बात हम कह देना चाहते हैं, अभी हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी कहा, पटना उच्च न्यायालय ने, हम लोगों के पास जो भी प्रस्ताव आता है हम लोग उसको स्वीकार करते हैं और आगे भी आपको वचन देते हैं, जब तक हम हैं काम करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तब तक हम आपको इतना वादा करते हैं कि और भी जहां जो कुछ भी जरूरत है न्यायपालिका के लिए, जिस स्तर पर भी न्यायपालिका के लिए जरूरत है और जो भी उसके लिए ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति का मामला हो या भवनों के निर्माण का मामला हो, जो भी आप लोगों की तरफ से प्रस्ताव होगा, आप लोगों की तरफ से बात आएगी, हम लोग उसको तत्काल स्वीकार करके इस काम को प्राथमिकता देंगे और इस काम को हम लोग करते रहेंगे, क्योंकि न्यायपालिका सबसे जरूरी चीज है, सिर्फ सरकार की बात नहीं है। इसलिए सब लोगों को मिलकर के ये सब चीजों को जो काम करना है, तो आप सब लोगों को मालूम है कि साहब विधायिका तो कानून बना सकता है, जो कार्यपालिका यानी सरकार की जो जिम्मेवारी है वो अपना काम करती है, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका संविधान के मुताबिक वो न्यायपालिका की भूमिका। किसी गलत आदमी को कोई तंग नहीं कर सकता है और गड़बड़ करने वाला आदमी बच भी नहीं सकता है, इसलिए कोई मामूली चीज थोड़ी है, इससे बड़ा न्याय और क्या हो सकता है, यही तो है। तो इसलिए आज आप सब लोगों के बीच में आने का मौका मिला, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम आश्वस्त कर देते हैं कि जो भी काम होगा, आपने भी तो बता ही दिया कि जो कुछ भी आप लोगों ने कहा था, 5 सालों में 2035 अधीनस्थ कर्मियों के पद सृजित किए गए हैं और सिविल जज के 1033 पद सृजित किए गए हैं। आप आगे और जो समझिएगा, और बिहार की तो भाई आबादी बहुत, प्रजनन दर भी बहुत, तो इसको देखते हुए सीमा तो कभी बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन आबादी इतनी ज्यादा है और इधर उधर कुछ भी होता है, आप और जितना चाहेंगे न्यायपालिका के लिए, हम लोग अपनी तरफ से उसके लिए आपका जो भी प्रस्ताव आएगा, मैं दूसरी बार भी कहता हूं, वचन देता हूं कि हम लोग एक एक चीज को स्वीकार करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले, हम यही आपको कह देना चाहते हैं। और सब लोगों को जो इतने लोग आए हैं, आज जो शताब्दी भवन का उद्घाटन हो रहा है और कितना सुंदर भवन बन गया है, सब आप लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। सिर्फ आपको संक्षेप में हम बता देना चाहते हैं कि जब भी काम करने का मौका मिला है हम लोगों ने हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, किसी भी चीज में भवन निर्माण का मामला हो, सब कुछ हो। और माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय यहाँ पर आए हुए हैं, अगर आपको कभी और समय मिलेगा तो हम तो चाहते हैं यहाँ का कुछ खास चीज आपको हम लोग दिखा देना चाहते हैं कि कभी देख लीजिएगा कि क्या क्या काम यहाँ पर हम लोग ने करवाया है। और पूरे तौर पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर जो बना है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, अब जो सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र है उसमें क्या है, पहले ज्ञान भवन बनाया, फिर बापू सभागार बनाया और तीसरे खंड में सभ्यता द्वार। आप उसको देखिए कितना सुंदर है, किस तरह की बिल्डिंग बनी है, और इसमें एफिल टावर में लगे स्टील की मात्रा जितनी उपयोग की गई है वो सबसे ज्यादा है, जो एफिल टावर में जितना लगा है उससे भी ज्यादा यहां पर लगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अगर इस ऐसे तरह के कामों की शुरुआत की है तो कभी कुछ ना कुछ इन सब चीजों को देखने का है। बिहार संग्रहालय बना, इस देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय हम लोगों ने बनाया है, कभी मौका हो तो एक बार जरूर यहाँ के बिहार संग्रहालय को भी देख लीजिए कि किस तरह का ये बनाया गया है। और बिहार संग्रहालय में बहुत अच्छे ढंग से हर प्रकार से हम लोगों ने किया है काम, तो हर तरह से हम लोग चारों तरफ भी करते हैं। अब पुलिस मुख्यालय जो बना सरदार पटेल भवन, अब वो भी देख लीजिए, रिक्टर स्केल 9 तक भी आएगा तब भी जाकर के भूकंप आने पर उसका नियंत्रण वहां पर होगा,
ताकि अगर बड़े पैमाने पर भी भूकंप आता है तो वहीं से, और आपदा प्रबंधन का भी काम वहां से, नहीं तो आपके हाथ में जो अधिकार हम लोग तो चाहते हैं वो बिल्कुल पूरे तौर पर इसी तरह से चलता रहे, ताकि कोई गड़बड़ करने के बारे में नहीं सोचे और किसी भी सही आदमी को किसी प्रकार से उसके प्रति अन्याय नहीं हो सके। तो यही तो न्यायपालिका और यही तो सबसे बड़ी चीज है, न्याय है। इसलिए आप सब लोगों का मैं अभिनंदन करता हूं राज्य सरकार की तरफ से, और आप सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब इस कार्यक्रम में शामिल होकर के यहां पर उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।